मुझे भाई नहीं गॉडफादर बोलते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। अफनावर अंसारी आप सभी लोगों का एक खिलाड़ी सब पे भारी खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे के डे वन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन ऑडियंस ऑक्यूपेंसी एंड शो काउंट एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? बच्चन पांडे एन अपॉर्चुनिटी पराज सामजी कुड हैव टेकन लाइक दिस। मैं कसम से दिल से चाहता था ना कि ये पिक्चर रोहित शेट्टी डायरेक्ट करे। ये पिक्चर में इतना मीट था ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। यू हैव यू नो संजय मिश्रा, यू हैव पंकज त्रिपाठी, अर्शद वारसी, अक्षय कुमार, चार लोग काम निचोड़ना था। एंड फरहाद सामजी पूरी जिंदगी पचकाने जोक्स डायलॉग्स ऐसे जो कि यू नो पब्लिक हंस हंस के पागल हो जाए, क्रिंज लगे। ये फिल्म में तुमको ये करना था मेरा भाई। जो फिल्म में फिल्म बनती है बीपी, इट कुड हैव बीन हिलेरियस टू द नेक्स्ट लेवल। यू नो फरहाद मिस द अपॉर्चुनिटी देयर, अनफॉर्चुनेटली। वो कहते हैं ना कि एक बैट्समैन तो अच्छा खेलते रहता था, लेकिन सपोर्टिंग लोग थे एंड सपोर्टिंग स्क्रिप्ट थी, उसने साथ नहीं दिया। अक्षय कुमार जबरदस्त, मजा आ गया। अक्षय कुमार ने काम जबरदस्त किया। अनफॉर्चुनेटली द बैड स्क्रीन प्ले, द बैड डायरेक्शन पुट दिस फिल्म डाउन। ऑल सेड एंड डन गाइस, जनता जनार्दन है। अब ये फिल्म जनता के कोर्ट में है, जनता के दरबार में। हाउसफुल 4 के बारे में लोगों ने क्या क्या नहीं बोला। फिल्म सुपरहिट हुई, 200 करोड़ का बिजनेस किया। लक्ष्मी खराब रिव्यूज से खराब रिव्यूज, आज सैटेलाइट पे नंबर वन पिक्चर चल रही है लक्ष्मी। इसलिए गाइस अब जनता फैसला करेगी ये फिल्म क्या है क्या नहीं है। फर्स्ट डे की ऑडियंस खत्म हो चुकी है एंड अब कल से इस फिल्म का असली खेल शुरू होगा। मैंने आपको पहले ही कहा था, जितने अक्षय कुमार के फैंस है होली पे सबर रखिए। एंड जितने भी अक्षय कुमार फैंस है, आप अपने आप से पूछिए क्या आपने बच्चन पांडे सिनेमा घर में देखी है। जवाब ना है, अगर आप सोशल मीडिया पे हो कृपया करके उठ के टिकट खरीद के अपने स्टार को थिएटर में जाके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब जैसे मैंने आपको कहा था, फ्राइडे हो गया, होली खत्म, कल इस फिल्म का मेन डे होगा, कल असली खेल शुरू होगा बच्चन पांडे का। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली आज गेटी के भी नजारे इतने इनकरेजिंग नहीं थे। ओवर द काउंटर टिकट सेल्स जो थे वहीं पर थे, एडवांस में जरा टिकटें नहीं बिक रही है। एंड कल गेटी इज नॉट एट ऑल फुल, तो गाइस गेटी बहुत जल्द फुल होने की आवश्यकता है कल के शोज के लिए। एंड बहुत अच्छे खासे शोज मिले हैं बच्चन पांडे को। यस, अच्छे खासे शोज मिल सकते थे, लेकिन कश्मीर फाइल्स गाइस अलग लेवल पर चल रही है। हम वो फिल्म को कोई रोक ही ना सकता है, वो फिल्म बस एक अलग लीग में जा रही है। बच्चन पांडे को अब क्या करना है, एटलीस्ट जितने मिले हैं उसमें आप फुल कीजिए। ओके गाइस चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं, देखते हैं कि एग्जैक्टली कल बच्चन पांडे कहाँ जाकर रुकेगी कहाँ नहीं। सुबह के शोज की बात करो गाइस, बच्चन पांडे ओपन वेरी डिसेंटली 23%। आज होली का दिन था, ओके। एंड बच्चन पांडे मॉर्निंग के बहुत सारी जगहों पर शोज जो है वो लेट शुरू हुए, लेकिन एक जगह पर बच्चन पांडे है एंड एक जगह पर द कश्मीर फाइल्स है। कश्मीर फाइल्स वॉज ब्लेजिंग, खतरनाक, 50-60% ऑक्यूपेंसी पे चल रही थी। बात करो आफ्टरनून शोज की, तो आफ्टरनून 35.23% था जो कि काफी डिसेंट था। इवनिंग शोज की बात करो तो गाइस इवनिंग शोज वॉपिंग 58% थे। एंड रात से असली खेल शुरू हुआ है बच्चन पांडे का, जो कि इसे एक बहुत अच्छे टोटल पर लेके जाएगा ऑन इट्स फर्स्ट डे। बात करो रात की, तो रात की ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 70%+ की थी। अब मुंबई से शुरू करते हैं, देखिए गाइस मुंबई में 532 शोज है। मुझे पता है फॉर एन अक्षय कुमार फिल्म यू नीड एटलीस्ट 600-700 शोज, 532 मोर देन इनफ। कल कलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो गाइज यहां पर जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी वो सिर्फ 43% की थी, यानी डिसेंट। दिल्ली एनसीआर ओनली 27% ऑक्यूपेंसी, 422 शोज थे। पुणे की बात करूं सिर्फ 30% की ऑक्यूपेंसी थी 190 शोज में। बैंगलोर वॉज जस्ट 2570 शोज। हैदराबाद में सिर्फ 26% की ऑक्यूपेंसी थी 179 शोज। कोलकाता ओनली 20% ऑक्यूपेंसी विथ 147 शोज। अहमदाबाद वो सुपर्ब बोल सकता हूं, रात के शोज 90% पे चल रहे हैं अहमदाबाद में। याद है हाउसफुल के टाइम पे अपन कैसे कलेक्शन रिपोर्ट करते थे, तो अहमदाबाद सूरत भी खतरनाक कलेक्शन करेगा, सबर रखो। आज का दिन जाने दो, कल वहां से कलेक्शन डेफिनेटली आएंगे। अहमदाबाद 285 शोज थे। बात करो चेन्नई, चेन्नई 47% ऑक्यूपेंसी, 65 शोज। एंड सूरत मा तो जलसा चाले से, सूरत में 93% ऑक्यूपेंसी, बाप लेवल ऑक्यूपेंसी सूरत में, वहां पे 151 शोज है। जयपुर सुपर्ब 67% ऑक्यूपेंसी, 72 शोज है। चंडीगढ़ 48% ऑक्यूपेंसी, 69 शोज है। बात करूं भोपाल की, 50% ऑक्यूपेंसी है, 45 शोज है। एंड लखनऊ 82% ऑक्यूपेंसी है, यहाँ पे 73 शोज है। तो गाइज नॉर्थ इंडिया में
बच्चन पांडे इज गोना क्लिक बिग टाइम, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। जो कैरेक्टर है बागवा का बच्चन पांडे, वो क्लिक हो गया ना एक बार, देन गाइज देयर इज नो स्टॉपिंग। क्योंकि गाइज आइकॉनिक कैरेक्टर्स आर डिजाइंड फॉर अक्षय कुमार, आप समझ रहे हो। यहाँ पर जैसे कि बाला कैरेक्टर था, अब जो नो बच्चन पांडे है वो कैरेक्टर डिजाइन किया है, बच्चन पांडे, भोला पांडे। एंड में अगर थोड़ा यू नो खींचे होते हैं ना, अलग कुछ करते ना, फिल्म एक अलग लेवल पर चली गई होती थी। और सडन डन फिल्म खत्म हो गई है देख कर। अभी हमें बिजनेस पर ध्यान देना है इस फिल्म का, क्योंकि हम चाहते हैं कि फिल्म जो है वो अच्छा बिजनेस करे डिस्पाइट द कश्मीर फाइल्स। ऐसा लग रहा है कल बच्चन पांडे कहीं ना कहीं 12.5 से 13.5 करोड़ ओपन करेगी, जो कि काफी अच्छा होगा। सीरियसली बोल रहा हूँ, काफी अच्छा होगा। अपना कल का प्रेडिक्शन कितना था, 10:30 से 11:30। आज मैंने कहा था सब कुछ ओवर द काउंटर टिकट सेल्स पर डिपेंड है, 12.5 13 पकड़ के चलिए। लेट्स सी कल एनजीई कितना कलेक्शन देता है, ये तो वक्त ही बताएगा। एंड जो भी कलेक्शन होगा मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि हाउसफुल 4 के टाइम पर सभी लोगों को याद है क्या हुआ था, कलेक्शन सही नहीं है, कोई गलत कलेक्शंस भेज रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेड एनालिस्ट ने कलेक्शंस देने से ही मना कर दिया था, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, दैट्स अ प्रॉमिस। जो भी कलेक्शंस आएगा आप सभी लोगों को बराबर प्रॉपर ईमानदारी से बताया जाएगा कि कितना कलेक्शन आया है। ओके गाइस, आई होप आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। अक्षय कुमार फैंस, यू बिलीव इन योर स्टार, यू बिलीव इन द फिल्म, दैट्स इट, मैटर फिनिश। कोई सामने वाला क्या बोलते हैं इससे तुमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक खिलाड़ी सब पे भारी, बच्चन पांडे, स्टे कूल मैन।